हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तारिक महमूद, योर चाइनीज लैंग्वेज टीचर एंड इंस्ट्रक्टर। और अगर आप इस चैनल पर आ चुके हैं तो इसका मतलब है आप लोग चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक फन, इंटरैक्टिव और माइंडलेस वे जिससे आप लोग चाइनीज लैंग्वेज सीख सकेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाइए जहाँ पर थोड़ा सा सुकून हो, ताकि आप लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को कितनी लैंग्वेज आती है, कितनी चाइनीज लैंग्वेज आती है। अमूमन आप अगर किसी से पूछेंगे चाइनीज लैंग्वेज क्या है, वो बोलेगा चिंगचोंग, नी हाओ, शेशे और छी। हाँ, वाकई वही ये बात सही है, क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है कि चाइनीज लैंग्वेज सिर्फ यही है, ची पौ छी छा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इन चार अल्फाजों के रियल में कोई ना कोई मतलब है। चले देखते हैं। तो छिंग चोंग का मतलब होता है अलार्म बेल, वाओ हम लोगों को चाइनीज आती है। और नी हाओ का मतलब होता है हेलो, शे शे का मतलब होता है थैंक्स, और छी का मतलब होता है सेवन। तो इतनी तो चाइनीज लैंग्वेज आती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं आप सबसे एक टेस्ट लूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ने की तरफ कोशिश करें कि क्या लिखा हुआ है। ओके, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? कन्फ्यूजिंग हो रहा है? चले अब पढ़ें जरा। जी हाँ, इसको पढ़ेंगे नी हाओ। नी हाओ का मतलब होता है हेलो। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें आती हैं कि यार ये चीज़ कहलाती है चाइनीज कैरेक्टर्स, ये होती है इनकी फिनियन। फिनियन समझ लें कैरेक्टर्स की प्रोनंसिएशन होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अमूमन रोमन हिंदी लिखते हैं, रोमन उर्दू लिखते हैं, इस तरह से रोमन की हेल्प लेते हैं अपनी जबान को, अपनी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने के लिए। तो सिंपली फिनियन भी चाइनीज लैंग्वेज की रोमन है, तो हम फिनियन को रोमन चाइनीज भी कह सकते हैं। एक्चुअली होती ही रोमन चाइनीज है, बस इसका नाम दिया हुआ है हम लोगों ने फिनियन। फिनियन का जो मतलब होता है वो होता है स्पेलिंग एंड साउंड्स। अब फिनियन पहले हमें प्रॉपरली सीखनी पड़ती है, ताकि हम लोग आगे की चाइनीज लैंग्वेज आगे सही से पढ़ सकें। चले आए फिनियन की तरफ आते हैं। फिनियन में होते हैं इनिशियल्स। अब जरा मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। ठीक है, ओके, रिपीट विद मी। पो 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 मो मो फो फो त त थ थ न न ल ल ग ग ख ख ख ख ची ची शी ची ची शी। तो ये चाइनीज लैंग्वेज के फिनियन के कुछ इनिशियल्स होते हैं। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा और इस पार्ट को दोबारा से सुनिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग आगे आएंगे, हमारे पास फाइनल्स और टोन्स। फाइनल्स हमारे पास ये छः होते हैं। पहला ए ओ ई आई यू और ये अजीब सा यू, खैर इसको यू अमलाउड बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आ वो अ ई ऊ यू। ओके, फिर से आ ओ अ ई ऊ
वेरी गुड। आप लोगों को बस हर चीज़ मेरे साथ रिपीट करती रहनी है, क्योंकि एक लैंग्वेज बोलने से आती है, बोलने से और सुनने से आती है। आप लोग जितना ज़्यादा रिपीट करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ज़बान को प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा आपकी ज़बान को आदत होगी ये अल्फाज बोलने की, ठीक है। अच्छा, चाइनीज लैंग्वेज में उसके बाद आती हैं चार टोन्स। पहली होती है फ्लैट, दूसरी होती है राइजिंग, तीसरी होती है फॉलिंग राइजिंग, और चौथी होती है फॉलिंग। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें, ठीक है। मैंने बोला कि पहली टोन होती है फ्लैट, दूसरी होती है राइजिंग, तीसरी होती है फॉलिंग राइजिंग, और चौथी होती है फॉलिंग। अगर मैं इनकी एग्जाम्पल दूँ कुछ इस तरह से कि अगर पहली टोन लगी हुई हो ए पर, तो ए को बोलेंगे हम लोग आ आ। अगर सेकेंड टोन लगी हुई हो ए पर, तो ए की प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी आ आ। अगर ए पर लगी हुई हो थर्ड टोन, तो ए की प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी आ आ आ। वेरी गुड। आप लोगों को ये चीज़ें बस रिपीट करते रहनी है, बस रिपीट करते रहें मेरे साथ, रिपीट करते रहें एंड रिपीट करते रहें। उसके बाद ए पर जो फोर्थ टोन होगी, ए की प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी अ अ अ, ठीक है। अब हम लोग आई पे प्रोनाउंसिएशन आई पे करते हैं। अगर आई पे फर्स्ट टोन हो तो आई हो जाएगा ई, अगर आई पे सेकंड टोन लगी हुई हो तो आई हो जाएगा ई, अगर आई पर थर्ड टोन लगी हुई हो तो आई हो जाएगा ई, अगर आई पर फोर्थ टोन लगी हुई हो तो आई हो जाएगा ई, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक तरह से और भी है कि इस चीज़ को सुनिएगा। फर्स्ट टोन की एग्जांपल कुछ इस तरह की है, ओके। सेकंड टोन की इस तरह की है, थर्ड की इस तरह की है, और फोर्थ ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज के इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स आ चुकी हैं, तो एक टेस्ट है आपके लिए छोटा सा। उससे पहले हम लोग ये पहले समझ लेते हैं कि अगर टोन्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं। टोन्स हमारे लिए ज़रूरी इसलिए कि अगर टोन्स में आगे पीछे हो जाए तो उसका पूरा मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि मदर को चाइनीज लैंग्वेज में बोलते हैं मा, हम एक पौधा होता है, हम को बोलते हैं मा, हॉर्स को बोलते हैं मा, और टू स्कॉल्ड स्कॉल्ड मतलब डांटना, इसको बोलते हैं माँ। और अगर किसी वर्ड पर टोन ना हो तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, इसको न्यूट्रल टोन बोलते हैं माँ, ठीक है। देखें, अगर टोन्स में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ मदर और मैं बोल दूँ माँ, तो इसका मतलब हो जाएगा हॉर्स। और अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ हॉर्स, मैं बोल दूँ माँ, ठीक है माँ, तो इसका मतलब हो जाएगा मदर, ठीक है। तो टोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इसलिए लिहाजा आप लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस ना करें तो आप किसी चाइनीज़ को जाने अनजाने में गालियाँ देना शुरू कर दें, एंड आई एम सीरियस, ऐसा होता है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं, आपके लिए एक टेस्ट। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि आप इस चाइनीज़ फिनियन को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, ये 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 और ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और जो आपने इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स सीखी हैं उसको इस टेस्ट पर अप्लाई करते हुए इसको ज़रा प्रोनाउंस कीजिए। ओके, नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से होगा। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है नी चाओ शनमा मिंग्ज। वेरी गुड। हाँ, मेरे साथ फिर से प्रोनाउंस कीजिए आप लोग, नी चाओ शनमा मिंग्ज। नी का मतलब होता है यू, चाओ का मतलब होता है कॉल, शनमा का मतलब होता है व्हाट, मिंग्ज का मतलब होता है नेम। तो इसका मतलब बनता है व्हाट इज योर नेम। अगर कोई चाइनीज आपसे बोले नी चाओ शनमा मिंग्ज, तो आप इसका जवाब देंगे वा चाओ, उसके बाद आपका नाम। जैसे कि इस सिचुएशन में मेरा नाम है तारिक, मैं बोलूँगा वा चाओ तारिक, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई चाइनीज आपसे बोलेगा नी चाओ शनमा मिंग्ज, तो आप लोग सिंपली रिप्लाई करेंगे वो अचाओ, उसके बाद आपका नाम, ठीक है। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलता हूँ मैं अगली बार। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।